विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की। प्रेरित कर्म का विचार क्लियर आने के लिए क्षमा साधना का रोल है। जितनी आप क्षमा साधना करोगे, लकीरें मिटाओगे, अंदर से विचार आना शुरू हो जाएंगे। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं। होली
अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं कर्ता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर, ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं, जो जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें, करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें, अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्रेरित कर्मा, प्रेरित का अर्थ क्या है? जब आपको प्रेरणा मिलती है कुछ काम करने की, जैसे बच्चा बैठा है अचानक उसको विचार आता है कि मैं कागज की नाव बनाता हूं, तो देखो वो उठेगा, कागज ढूंढेगा, बनाएगा, सीखेगा, सिखाएगा, बच्चों के साथ दिखाएगा, पानी में चला के दिखाएगा। वो एक दो घंटा जो उसमें गए उसके, आप देखोगे उसको प्रेरित कर्म का विचार आया है तेजस्थान से। ये नाव बनाने में तो ये जल्दी हो गया, कई बार आप देखोगे एक ऐसा काम जिसको पूरा होने में 10 घंटे लगेंगे, आपको आ गया और आप 10 घंटे ऐसे बिता देते हो पता ही नहीं चलता आपको ये 10 घंटे कैसे बीत गए। हाउसवाइफ को विचार आया ये डिश बनाते हैं, बस उस विचार में वो कितने घंटे किचन में काम करे उसको पता ही नहीं चला। ये है प्रेरित कर्मा। और हर इंसान को तेजस्थान से प्रेरित कर्म का विचार दिया जा रहा है। अगर आप ये सीख गए कि प्रेरित कर्मा का विचार आएगा, कार्य करना है, तो वो कर्म बंधन नहीं बनाएगा। वो कर्म, क्योंकि ये कर्म करने में तेजस्थान से आया हुआ विचार है, तो इतनी सहजता से होगा, उसमें डोर वाला पार्टी नहीं। आप बोले बस पता नहीं क्या हुआ, विचार आया और ये संगीत की धुन बन गई, पता नहीं क्या विचार आ गया, ये चित्र बन गया, पता नहीं एक विचार आ गया, पूरा भजन बन गया, ऐसा विचार आया, ये काम हो गया, घर की पूरी सफाई हो गई जो इतने महीनों से सोच रहे थे, बस एक जोरदार विचार आ गया, ये हो गया, करने की फीलिंग ही नहीं है, करने की फीलिंग ही नहीं है, हो गया। इसको कहते प्रेरित कर्म। प्रेरित का पी, कर्म का के, प्रेरित कर्म पीके। पीके तीसरा कदम है कि आपको विचार आया, क्रिया हो गई। अगर कोई इस तरह प्रेरित कर्म के साथ, प्रेरित कर्म के विचार के साथ काम करते गया तो वो फ्री फ्लो में मंजिल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कुदरत उसको विचार देने ही वाली है जो वो पृथ्वी पर करने के लिए आया है। Why am I here? मेरा शरीर क्यों है और मैं क्यों हूं? तो दोनों का जवाब आपको क्लियर होते जाएगा जब आप तीसरे कदम पर चलते जाएंगे। तीसरा कदम उठाते जाओगे, आपके सामने मंजिल क्लियर होते जाएगी। तो ये प्रेरित कर्म की शक्ति है। अब प्रेरित कर्म का विचार क्लियर आने के लिए क्षमा साधना का रोल है। जितनी आप क्षमा साधना करोगे, लकीरें मिटाओगे, अंदर से विचार आना शुरू हो जाएंगे। लोगों को प्रेरित कर्म समझ में नहीं आता, इंट्यूशन समझ में नहीं आती, अंदर से मिलने वाली ट्यूशन, इंट्यूशन, क्योंकि लकीरें हैं बीच में बहुत। आप क्षमा साधना करो और अब देखते हैं क्या विचार आता है। अब प्रेरणा देने वाला विचार आएगा, हम क्रिया करेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।